झारखंड में प्राइवेट स्कूलों के जरिए मनमाने तरीके से फीस में बढ़ोतरी की शिकायतों पर अब सरकार ने सख्त कदम उठाने की पहल की है। इसके लिए सरकार ने झारखंड रेगुलेशन फॉर कंट्रोल ऑफ फी एक्ट बनाने का फैसला लिया है, जिसके लिए एक कमेटी भी गठित कर दी गई है। ये कमेटी हर पहलू पर नजर डालेगी और स्कूल प्रबंधन से भी राय लेगी। प्राइवेट स्कूल की फीस में अब नहीं होगी मनमानी, बनेगा एक ऐसा कानून जिससे मनमानी पर लगेगी रोक। झारखंड के प्राइवेट स्कूल्स में फीस को लेकर मनमानी कोई नई बात नहीं है। इस पर नकेल कसने के लिए रेगुलेशन फॉर कंट्रोल ऑफ फी एक्ट बनाने की पहल की गई है। इस एक्ट को तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष जेसी के चेयरमैन को बनाया गया है। कमेटी में जिला, प्रखंड और अन्य शिक्षण संस्थानों से जुड़े पदाधिकारियों को भी शामिल किया गया है। लोगों का व्यूज और सब जगह क्या है, तब तक तो इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग। क्या प्लानिंग, क्या हम लोग वो नहीं जानना, प्लानिंग है कि इसको ठीक से रेगुलेट किया जाए ताकि चीजें ठीक से चले, एक रूपता रहे चीजों में। जाहिर है सरकार की सख्ती प्राइवेट स्कूल प्रबंधन को रास नहीं आ रही है, लेकिन कमेटी के अध्यक्ष ने ये भी साफ किया है कि इस एक्ट को बनाने से पहले हर पहलू पर गौर किया जाएगा, जिससे स्कूलों को कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार की ओर से ये कमेटी बनाई गई है, क्योंकि इसको लेकर के अभिभावक मंच की ओर से लगातार हम लोगों ने आवाज उठाई कि साहब ये निजी स्कूल जो है अपनी मनमानी किए हुए हैं, जब जिस मद में चाहे वो अभिभावकों से लगातार मोटी रकम वसूलते रहे हैं। इन सब चीजों को लेकर के जब हम लोगों ने इसकी पहल की तो सरकार ने एक कमेटी बनाई है। आपको झारखंड अधिवित परिषद के जो अध्यक्ष हैं आनंद हुसैन जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है, और उस कमेटी में जो राज्य का अपना जो फीस रेगुलेटरी एजुकेशन एक्ट जो है वो आपका इसमें तैयार हो रहा है। ये जो शुल्क मनमाने बात जो बोलते हैं ये गलत बात है। जितने भी जहां भी शुल्क लिए जाते हैं, फीस लिए जाते हैं, वो आवागमन, पढ़ाई, पठन पाठन की सुविधा के अनुसार ही लिया जाता है। ये जो मनमाना शब्द यूज करता है वो जो है खुद कानून का उल्लंघन है। ये नए कानून की कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय ने और कई सरकारों ने कई बार ऐसे डायरेक्शन इश्यू कर चुके हैं। झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल ने डायरेक्शन इश्यू किया है। इसलिए अभी इस तरह का कानून बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। एक्ट बनने के बाद नियमों को मानना होगा और किसी भी तरह के शुल्क वृद्धि से पहले इजाजत लेनी होगी। अगर ये कानून जमीन पर उतर गया तो अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है। आसमान छूती महंगाई में प्राइवेट स्कूलों द्वारा स्कूल फी में बेहतासा वृद्धि करने की प्रवृत्ति अभिभावकों के कमर तोड़ रहा है, जिससे निपटने के लिए सरकार ने अब नए कानून बनाने की पहल की है। जाहिर है अगर ये एक्ट लागू होता है तो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी जरा मुश्किल होगी। समय के लिए रांची से कैमरामैन अशोक के साथ सत्यजीत कुमार।